कचौरी निहारी और ये ब्यूटीफुल जमा मस्जिद, इट्स अ पैराडाइज फॉर फूडीज। अगर आप दिल्ली में हैं और यहाँ दिल्ली की धड़कन चांदनी चौक नहीं आए हैं जनाब, तो सोच क्या रहे हैं, जस्ट सीज द डे एंड जस्ट कम हियर। आ जाइए, घबराइए मत, यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ देखकर डर सकते हैं आप, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी सेफ प्लेस टू रोम अराउंड। हिस्ट्री लवर हैं अगर आप, तो इन गलियों से प्यार सा हो जाएगा, मन करेगा कि यहीं कहीं खो जाएं। मशहूर शायर गालिब के नाम तो सुना ही होगा, उनकी हवेली भी यहाँ है। देखिए आ गए हम यहाँ, अर्ली मॉर्निंग से ही लोग काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। और पुरानी दिल्ली की एक मशहूर कहावत यह है कि यहाँ लोग घर पे ब्रेकफास्ट नहीं बनाते हैं, यहाँ पे इतने मशहूर दुकानें हैं कि लोग वहीं या तो जाके खाते हैं या पैक करा लेते हैं घर वालों के लिए। अगर मेरा ये लोकल फ्रेंड मेरे साथ नहीं होता तो मैं इस छोटी सी गली की, इस छोटी सी प्यारी सी कचौड़ी की दुकान पे नहीं आ पाती। जी आज हम कचौड़ी खाने वाले हैं। कचौड़ी तो सभी का फेवरेट होता है, देखिए फ्रेश एंड हेल्दी कचौड़ी। हेल्दी तो मैं नहीं बोलूँगी यहाँ पर, सुबह सुबह आपको अगर पूरे दिन भर का काम करना है तो थोड़ी कैलोरीज तो इनटेक करनी ही पड़ेगी। देखिए आपको यहाँ पे आलू की सब्ज़ी, कचालू की चटनी और आपको एक छोले का पानी, ये तीन स्पेशल चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। रीफिल आप जितना चाहे करा सकते हैं। और भीड़ देखिए, 15 रुपये की एक कचौड़ी, 25 रुपये की एक पूरा प्लेट यानी कि दो कचौड़ी। मैंने एक ही प्लेट खाया क्योंकि मैं एक ही खाना चाह रही थी, मेरा पेट उतने में भर जाता है। इट वॉज रियली वेरी क्रिस्पी, वेरी टेस्टी एंड क्वाइट स्पाइसी। इफ़ यू वॉन्ट, आप स्पाइस का लेवल को थोड़ा कम और ज़्यादा भी करा सकते हैं। देखिए मेरा फ्रेंड ये अभी छोले का पानी ले रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो क्वाइट स्पाइसी एंड यू गेट अ खस्ता कचौड़ी विद इट। तो आप खस्ता कचौड़ी का मज़े लीजिए छोले के पानी के साथ। आप ऊपर नीचे करा सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा मिर्च थोड़ा कम ज़्यादा ये करा सकते। कचालू की चटनी भी देखिए, आप रीफिल कराते रहिए, आपसे कोई नहीं पूछेगा कितनी कचौड़ी ली क्या लिया, ये लोग नहीं आपका वो नहीं मेजर नहीं करेंगे। बट पेमेंट करते वक्त आप उनको बता सकते हैं कि हमने इतनी कचौड़ी खाई है। इस दुकान का लिंक मैं नीचे डाल रही हूँ। एड्रेस भी डाल देना। हाँ।